सो फाइनली गाइस YouTube शॉर्ट्स को मोनिटाइज करने का अपडेट आ चुका है। बड़े बड़े क्रिएटर्स ने इस टॉपिक पर वीडियो बना दिया कि आपके YT स्टूडियो में एक टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने का ऑप्शन आएगा, उसको एक्सेप्ट कर लेना। लेकिन किसी भी क्रिएटर ने आपको ये नहीं बताया कि उस टर्म्स एंड कंडीशन के ऑप्शन को आपको कैसे एक्सेप्ट करना है, और वो ऑप्शन मुझे मिल चुका है और आपको मैं बताऊंगा कि कैसे उस ऑप्शन को आपको एक्सेप्ट करना है। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से एंड तक देखते रहना, और जिनके चैनल मोनिटाइज है उनके लिए भी, और जिनके चैनल मोनिटाइज अभी नहीं है उनके लिए भी ये वीडियो देखनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लेना। अब गाइस बिना टाइम वेस्ट किए सीधा वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको YT स्टूडियो को ओपन कर लेना है, फिर आपको लास्ट में अर्न वाला ऑप्शन दिखेगा, आपको अर्न वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, उसके बाद आपको रिव्यू एंड एक्सेप्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है, आपको गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। ये दोनों एक ही है, इन दोनों में से किसी भी एक ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा आएगा, तो यहाँ पर आपको रिव्यू पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा, फिर आपको ऊपर की साइड स्टेप 1 लिखा हुआ दिखेगा, उसके नीचे एक बॉक्स में लिखा होगा बेस टर्म्स, उसके सामने रिव्यू का ऑप्शन होगा, वहाँ पर क्लिक कर देना। यहाँ पर क्लिक जैसे ही करोगे आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आपको सब कुछ ध्यान से पढ़ लेना है। फिर गाइस आपको सबसे नीचे की तरफ आ जाना है, यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखेगा ये एक्सेप्ट द बेस टर्म्स, उसके सामने एक बॉक्स होगा, बॉक्स में टिक कर देना और आपको एक्सेप्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो आपका स्टेप 1 कंप्लीट हो चुका है। अब गाइस थोड़ा सा नीचे आपको दिखेगा स्टेप 2, उसके नीचे लिखा होगा वॉच पेज टर्म्स, उसके सामने रिव्यू वाला ऑप्शन होगा, तो गाइस आपको रिव्यू वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। रिव्यू वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप रिव्यू वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे आपको सबसे नीचे आ जाना है, यहाँ पर आपको एक छोटा सा बॉक्स दिखेगा और बॉक्स के सामने लिखा होगा आई एक्सेप्ट द वॉच पेज टर्म्स, आपको इस बॉक्स पर क्लिक कर देना है। जैसे इस बॉक्स पर क्लिक करोगे ये फिल हो जाएगा और आपको एक्सेप्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद आपका स्टेप 1 और स्टेप 2 दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद गाइस आपको नीचे सबमिट वाला ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कर देना। इस पर जैसे क्लिक करोगे आपके सामने ऐसा एक पेज ओपन हो जाएगा, उसके बाद में आपको गो टर्न ऑन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे मैं कर रहा हूं आपको बिल्कुल इसी तरीके से करना है, कोई भी आपको गलती नहीं करनी है। फिर गाइस आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा, उसके बाद गाइस आपको टर्न ऑन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे टर्न ऑन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होगा, फिर से आप गाइस आपको नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर आपको फिर से इस बॉक्स पर क्लिक कर देना है और आपको एक्सेप्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद गाइस आपके सामने फिर से कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा, आप गाइस फिर से आपको टर्न ऑन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। गाइस टर्न ऑन वाले ऑप्शन के ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर आप देख सकते हो शॉर्ट फीड एड वाला ऑप्शन जो है ये भाई एक्टिव हो चुका है, बस आपको इतना करना है और ये एक्टिव हो जाएगा। तो गाइस वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।